सबसे के जावा के prerequisites क्या है यानी क्या कुछ ऐसा है जो जावा पढ़ने से पहले बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए घबराइएगा मत बहुत ही बेसिक से प्री रेक्ट हैं अगर आप जावा बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं अगर आप जावा फन के लिए सीख रहे हैं तो कोई प्री रेकिट नहीं है लेकिन अगर आप सीरियसली जावा में करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूं प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज होगी बताऊंगा मैं किस लेवल की सेकेंड पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक बेसिक सा रिव्यू प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी के बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री के बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनी प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए क्या कारण है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है देन हम बात करेंगे द मोस्ट क्वेश्चन की एंड दैट इज इज आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा तो जब लेक्चर खत्म होगा तब आप इस बात को समझेंगे 90% लोग जावा की डेफिनेशन या तो गलत और या तो अधूरी देते हैं मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, जब उनसे पूछा जाता है जावा क्या है उनका एक आंसर होता है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गौर करिए जावा को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना जावा के पोटेंशियल को बहुत कम करने के बराबर है जावा बहुत कुछ है आज आपको पता चलेगा आप सी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं सी प्लस प्लस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं पी को भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं लेकिन जावा पाइथन ये सब जो है ये लैंग्वेज से कहीं आगे की चीज है ये अपने आप में पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है ये अपने आप में पूरी पूरी टेक्नोलॉजी है वो आपको आज ही पता चलेगा आज आप ये भी सीखेंगे हाउ अ लैंग्वेज इज डिफरेंट देन अ अम और हाउ अ अ लैंग्वेज इज डिफरेंट देन टेक्नोलॉजी तो जावा सिर्फ सी प्लस प्लस जितनी एक साधारण लैंग्वेज नहीं है बहुत कुछ है जावा के अंदर जो जावा को इतना ज्यादा पॉपुलर और आज भी दुनिया की टॉप फाइव लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज बनाता है उसके बाद अपन बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी और अ लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इज आल्सो अ टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट भी अब अपने आप में प्लेटफॉर्म हो गई है जब से जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे आने लगी है जब तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट पे थी तब तक वो लैंग्वेज थी जब जावास्क्रिप्ट सर्वर बेस्ड हो गई जावास्क्रिप्ट पे नोट जेस प्लेटफॉर्म मिलने लग गया वो भी अपने आप में एक कम्पलीट टूल है कम्प्लीट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसमें आप ढेर सारा तरह ढेर सारी तरह की एप्लीकेशन कर सकते हैं डेवलप तो आज बात करेंगे अपन इस बारे में वॉट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जो जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है आई मीन टू से जैसे सी का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में पॉइंटर्स आते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज सी डबल प्लस का नाम दिमाग में आता है सबसे पहले दिमाग में ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं ऐसे अगर आपको जावा का नाम सुनने को मिले तो वो एक कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जावा के बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन थी तो वो प्रॉपर्टी है जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसके बाद सबसे बड़ा मिथ हम सॉल्व करेंगे जावा के पाइथन आपके दिमाग में भी क्वेरी होगी

लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन सबसे पहला पॉइंट आता है जावा पढ़ने के प्री रेकट्स क्या हैं क्या कुछ ऐसा है जो आपको आना चाहिए इससे पहले कि आप जावा की तरफ आए नॉर्मली आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा जावा कैन बी योर फर्स्ट लैंग्वेज बात कुछ हद तक सही भी है लेकिन अगर आप सही मायनों में जावा के पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कम से कम आते हों गौर करिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि शुड बी एन एक्सपर्ट बट कम से कम इतना हो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज जरूरी नहीं है वो लैंग्वेज सी हो सी प्लस प्लस हो कोई भी लैंग्वेज दुनिया के आप उठा लें बस उसमें आप दो नंबर ऐड करने जितना प्रोग्राम अगर बना सकते हैं इतनी प्रोग्रामिंग आपने करी हुई है तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अगर आपने दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम सी में बनाया है तो नथिंग लाइक इट क्योंकि आप देखेंगे जावा का सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट इंटेक्स आपको सी प्लस से बोरो हुआ मिलेगा जो चीजें आपने वहां देखी थी सेम टू सेम आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अगर आपका जावास में थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है तो यू विल बी वेरी वेरी इजी वेरी वेरी कंफर्टेबल वाई लर्निंग जावा नहीं है तो पैनिक मत कीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर नहीं है तो आपको इसका कवर अप मिल सकता है आप उसका ब्रशअप ले सकते हैं उन चीजों को आप कवर कर सकते हैं क्योंकि गौर करिएगा जावा का पहला प्रोग्राम आने में अभी कम से कम तीन से चार लेक्चर लगेंगे इतनी सारी बातें जावा के बारे में हम लोगों के बीच में होने वाली हैं सीधे मैं पहले दिन से कोडिंग स्टार्ट आपको नहीं कराऊंगा आज का लेक्चर तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करेगा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जावा के और इम्पोर्टेंट फीचर्स हम बात करेंगे जावा को कॉन्फिगर सिस्टम पे कैसे करते हैं जावा अपने सिस्टम पे कैसे आप सेटअप करते हैं ये सब करने में हमें दो तीन दिन लगेंगे दो तीन दिन बाद हम हमारा पहला जावा का प्रोग्राम समझ रहे होंगे तब तक आपके पास एम्पल टाइम है आप बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आराम से कर सकते हैं ब्रशअप मुझे कोई पॉइंटर नहीं चाहिए कोई पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस जैसे इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए मैं सिर्फ कह रहा हूं दो नंबर ऐड करने जितना कोड अगर आप लिख लेते हैं तो यू कैन इजीली इजीली स्विच ओवर टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आप प्रोग्रामिंग में नोवेस हो सकते हैं लेकिन आप प्रोग्रामिंग में इनलिटरेट नहीं है आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स तो पता है ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कोई अगर पूछता है लैंग्वेजेस क्या होती है तो आप बोले हिंदी इंग्लिश ये स्थिति तो नहीं है ना किसी की जल्दी जल्दी बोलिए है।, है ना अगर कोई पूछता है लैंग्वेजेस क्या होती है तो बता पाते हैं ना लैंग्वेजेस क्या होती है लैंग्वेजेस के नाम क्या हैं और किसी एक तो लैंग्वेज में आपने थोड़ा बहुत कोड थोड़ करा होगा बस आपने कभी शायद सीरियसली प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी इंटरेस्ट नहीं आया होगा वट एवर द केस में भी उसके बेसिस पर आप आराम से जावा की तरफ आ सकते हैं अरे आराम से आराम से विकास C++ का जो बैच चल रहा है बिल्कुल आइडियल टाइम है कि आप इस समय जावा पे स्विच करें आपने उतना C++ आराम से पढ़ लिया है मोर देन इनफ है वो मैं तो कह रहा हूं आराम से आप जावा पे स्विच कर सकते हैं नो इश्यूज इन दैट ठीक है चलिए तो ये तो थे जावा पढ़ने के प्री रेक्ट के बस बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको पता होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन जावा सीखने के लिए आपसे नहीं है ठीक अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लाइफ में आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर सुना होगा एंड दैट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है तो आई थिंक सबने सुना है जब से जिंदगी में प्रोग्रामिंग से आप कनेक्ट हुए हैं जब से जिंदगी में प्रोग्रामिंग के बारे में सुनना शुरू करा है आपने सुनना होगा कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोज इन वन हायाना जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए प्लीज इंटरक्टिव रहिएगा मेरे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा बैच का फ्लो कैसे लेकर अपन को चलना है तो दो तीन दिन में मैं बैच की पेस सेट कर पाऊंगा राइट तो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ़ जीरो बहुत मुश्किल है कि हम कंप्यूटर्स से जीरो और वन में इंट्रैक करें आप एग्री करते हैं जल्दी बोलिए एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में बात करें और कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में बात करें तो आप मानते हैं कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन कराए एक तरह का ब्रिज हो एक तरह का पुल हो जो हम इंसानों की बात को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक ले जाए और कंप्यूटर से आने वाले रिस्पॉन्स को हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाए और आप सब जानते हैं ये रोल और कोई प्ले नहीं करता ये रोल प्ले करती है दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आप एक सिंगल वर्ड में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करें तो आप इजीली कह सकते हैं एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसलेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके का ट्रांसलेटर है एक तरीके का मीडियम है जो इंसानों और कंप्यूटर्स के बीच में परफॉर्म कराते हैं इंटरक्शन परफॉर्म कराते हैं इनके बीच का कम्युनिकेशन दैट इज द रोल प्लेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके अब आपको शायद पता होगा दुनिया में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं ये 900 भी मैं आपको आज से छह सात महीने पहले की काउंटिंग बता रहा हूं अब तो ये काउंटिंग काफी बढ़ गई होगी यानी जितनी स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं है दुनिया में उससे ज्यादा आपको दुनिया में मिलेंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखिएगा किसी ना किसी एम के साथ किसी ना किसी आइडिया के साथ डिजाइन की जाती है कोई भी लैंग्वेज जब बनती है तो उसको बनाने का एक रीजन होता है एक ड्राइविंग फैक्टर होता है जिस कारण से उस लैंग्वेज को करा जाता है डिजाइन ठीक है हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं नाइनटी लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुझे लगता है आप में से भी बहुतों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी राइट right? हालांकि मैं नाइनटी में नहीं हूं मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ये नहीं थी मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉक्स प्रो थी जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो सी

नाम की लैंग्वेज से दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई है तो वो अपने आप में फोर ट्रैन है डेवलप कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज मेनली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए बनी थी शायद आप जानते होंगे सी को बनाने का मेन कारण ये था कि उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करना था जो यूनिक्स के क्रिएटर थे शायद आपने नाम सुना होगा जिन्होंने यूनिक्स बनाया है उनका नाम है मिस्टर केन थॉमसन इनको यूनिक्स में बहुत सारी दिक्कतें रही थी तो ये चाहते थे एक ऐसी लैंग्वेज आए जिसको यूज करके ये बहुत इजी वे में यूनिक्स के अंदर कुछ पावरफुल फीचर्स डाल पाए आपको याद होगा यूनिक्स ओरिजिनली असेंबली लैंग्वेज में डिजाइन करा गया था उसके बाद यूनिक्स की इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मिस्टर केन थॉमसन ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करा हालांकि सी इन्होंने नहीं, नहीं बनाई आप सबको पता होगा सी दुनिया के एक लेजेंडरी इंसान ने बनाई है राइट जिनका नाम है मिस्टर डेनिस रिची राइट अमेरिका का बहुत बड़ा सम्मान इनको मिला है सो बोलते हैं डॉक्टर डॉब्स अवार्ड जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना ऐसे यूएसए में टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है उसको बोलते हैं डॉक्टर डॉब्स अवार्ड बहुत कम लोगों को यह अवार्ड मिला है और डेनिस रिची उन बहुत गिने चुने लोगों में से एक हैं आज के भी आईटी के जितने दिग्गज ना उनको भी ये अवार्ड नहीं मिला है राइट सो सोचिए कितने लेजेंडरी पर्सन रहे होंगे मिस्टर डेनिस रिची जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करा जो आज बेस है दुनिया की ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी का दुनिया की ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो जब मिस्टर डेनिस रिची ने बेल लैब्स में सी लैंग्वेज को डिजाइन करा तो मिस्टर केन थॉमसन को सी लैंग्वेज इतनी पसंद आई इतनी पावरफुल लगी कि उन्होंने अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिजाइन कर दिया लेकिन आप सब जानते होंगे सी किस तरीके के प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो करती है तो आपने सुना होगा सी पीओपी मॉडल को फॉलो करती है पीओपी का मतलब क्या होता है पीओपी का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं इन छोटे छोटे पार्ट्स को आप प्रोग्रामिंग की फॉर्मल इंग्लिश में नाम दिया करते हैं फंक्शन तो आपको कोई भी बड़ा टास्क अगर सी में करना है तो सी बोलती उसके बना हर फंक्शन को एक यूनिक एम दीजिए एक यूनिक काम दीजिए और वो काम उस फंक्शन के थ्रू आप करवाइए उदाहरण के तौर पे अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है सी में तो कैलकुलेटर में ऐड का फंक्शन सब का फंक्शन इनपुट लेने का फंक्शन आउटपुट करने का फंक्शन सबके आप अलग अलग फंक्शन बना लें सी प्रोग्रामिंग कहती है और फिर आप अपने प्रोग्राम में इन सभी फंक्शनों को जरूरत के मुताबिक कॉल कर लें यह सी का मेन आइडिया होता है प्रोग्राम डिजाइनिंग के पीछे अगर आप लोगों ने सी करी है तो आपने सारी बातें सुनी होंगी सुनी है कि नहीं सुनी सुनिए सुनाए सब कहानी सुनी होगी आपने सी में राइट आप सी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है प्रॉब्लम ये है कि सी रियलिस्टिक लैंग्वेज नहीं है रियलिस्टिक नहीं है मतलब रियलिस्टिक नहीं है मतलब सी लैंग्वेज से आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उस लैंग्वेज में किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को कोड करना फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गेम डिजाइन करना है इमेजिन करिए अब अगर आपको कोई गेम डिजाइन करना है तो गेम में फंक्शन नहीं होते हैं गेम में ऑब्जेक्ट होते हैं गेम को जो प्ले कर रहा होगा उसमें जितनी भी आपको इमेजेस दिख रही होंगी दे ऑल आर नथिंग बट दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स और सी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट नाम के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है तो सी के इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को इनहेरिट कर कर बेल लैब्स में ही एक लैंग्वेज डेवलप की गई जिस लैंग्वेज लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो सी का एक्सटेंशन थी किसने बनाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्टप ने बनाई ये लैंग्वेज और मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्टप की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई इतनी पॉपुलर हुई कब बनी थी बनी थी 1979 में इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया की दो टॉप कंपनीज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाने में बहुत रेस्पेक्टफुली के रेस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है उनमें से एक का नाम है द कंपनी कॉल्ड एडोब नाम सुना है आपने एडोब कंपनी का नाम सुना है एडोब पेजमेकर एडोब फ्लैश एडोब एक्रोबैट एडोब फोटोशॉप ये सारी चीजें ये सारे सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के हैं एडोब कंपनी और अगली कंपनी तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है खूब यूज करते हैं हम लोग इसके प्रोडक्ट द द नेम ऑफ कंपनी इज माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों कंपनीज के मैक्सिमम प्रोडक्ट डेवलप करेगा यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये ये मैं नहीं कह रहा हूं ये वो कह रहे हैं जिन्होंने डिजाइन करी है कभी आपके पास फुर्सत हो टाइम हो तो आप मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप के खुद की वेबसाइट पे जाइएगा वेबसाइट का नाम है स्ट्रोस्ट डॉट कॉम यहां जाइए तो यहां आपको पूरी लिस्ट मिलेगी उन सारे सॉफ्टवेयर की जो सी डबल प्लस लैंग्वेज के अंदर करे गए हैं डेवलप शायद आपने इसे बहुत कम लोगों को पता होगा पबजी नाम सुना है आपने पबजी नाम सुना होगा खूब खेला होगा आपने पबजी का जो बेस सॉफ्टवेयर है जो बेस कोड लिखा गया है वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा गया है पबजी का जो मोबाइल वाला ऐप है वो लिखा गया है जावा में तो पबजी की मोबाइल ऐप इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा बट पबजी का जो बेस है जिसे बोलते हैं गेम इंजन वो गेमिंग इंजन डेवलप करा गया यूजिंग C++ programming language, और PUBG का जो वेब इंटरफेस है वो डेवलप कराया गया यूजिंग जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे आपको पता चलता है आज की टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस पॉपुलर हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस एक बड़े सॉफ्टवेयर के पीछे इन्वॉल्व होती हैं इस तरह से C++ एक काफी पॉपुलर लैंग्वेज बनी बहुत सारा गेम डेवलपमेंट आज सी डबल प्लस के अंदर करा जाता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज भी मार्केट में आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुए हुए मिलेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब इतना सब था तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डिजाइन की गई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बनाने के पीछे का कारण क्या है तो जावा क्यों बनी सब कुछ स्लाइड में लिखा है मैं स्लाइड पढ़ाकर आपको बोर ना करते हुए सीधे व्हाइट बोर्ड पे आपसे अब इंटरेक्ट करूंगा ठीक है डोंट बॉर्डर मैं जो कुछ भी लिखूंगा सब कुछ स्लाइड के अंदर एज इट इज अवेलेबल है और सारी स्लाइड आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएंगी तो आप सिर्फ ध्यान से सुनना कुछ जरूरी लगे तो आप भले ही उसे नोट कर लेना बट ज्यादा नोट्स बनाने की टेंशन में मत आइएगा नोट सारे आपको अवेलेबल होंगे बस सुनना और खूब सारे आप डाउट्स पूछना ठीक है तो मैं आपको थोड़ी सी सी की प्रोग्रामिंग के स्टेप्स याद दिला रहा हूं जो एक्चुअल कारण बने जावा लैंग्वेज के बनने का तो मुझे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय इस सेशन में है मुझे बताइए जब आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं आपने जरूर सुना होगा आप इस प्रोग्राम को सोर्स कोड का नाम देखते हैं बोलते हैं ना आप लोग जब भी हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं हम बोलते हैं इट इज अस कोड फाइन इमेजिन करिए आपने सी में दो नंबर एड करने का प्रोग्राम बनाया तो आई होप आपको याद होगा आप इस प्रोग्राम का कुछ नाम देंगे और एक्सटेंशन देंगे आप इसका डॉट सी तो मैंने एड डॉट सी नाम का सी में एक प्रोग्राम लिखा अब हम सबको बताया ये जो प्रोग्राम है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है इस प्रोग्राम को तब तक आप कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते जब तक ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट ना हो जाए और आप सब जानते होंगे किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम उस लैंग्वेज के अंदर बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर करता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर है ना तो आपको पता होगा सी का एक कंपाइलर होता है जो सी के प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम का आपके लिए जनरेट कर देता है वो कोड जिसे अपन लोग बहुत पहले से बोलते आते हैं मशीन कोड है ना और फिर हम सी पढ़ते वक्त ये सुनते हैं कि ये मशीन कोड डायरेक्ट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और ये मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है ठीक है यही अपन लोगों ने नॉर्मली सी पढ़ते वक्त सुना होता है कि एक बेसिक सी लाइफ साइकिल यही होती है प्रोग्रामर कोड लिखता है कंपाइलर उसे बाइनरी में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन कोड ऑपरिंग सिस्टम पे जाकर रन हो जाता है फाइन अब इससे पहले कि मैं इस कहानी का ड्रॉबैक आपको बताऊं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे सुनना और यह समझना कि कंप्यूटर साइंस में यह मशीन का मतलब क्या होता है जब मैं ये बात क्लासरूम में स्टूडेंट से पूछता हूं मशीन का मतलब क्या होता है तो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर मशीन का मतलब कंप्यूटर मशीन का मतलब वो डिवाइस डिवाइस से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं बिल्कुल गलत है हंड्रेड परसेंट गलत जवाब है मशीन का मतलब दुनिया में कभी भी कंप्यूटर नहीं होता है कम से कम प्रोग्रामर के लिए किसी प्रोग्रामर के लिए मशीन शब्द का मतलब वो होता है, जिस एनवायरमेंट में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा सुनिए मशीन शब्द का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो एनवायरमेंट होता है जिस एनवायरमेंट में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं आपको बता दूं आपके प्रोग्राम के रन होने में हार्ड डिस्क का कोई रोल नहीं होता आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कीबोर्ड माउस इनका कोई रोल नहीं होता आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो दुनिया में एक वर्ड बनता है और वो वर्ड अपने आप में कहलाता है मशीन गौर करिएगा इस मशीन के दो और नाम होते हैं इसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर साइंस में बुलाते हैं प्लेटफॉर्म और इसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर साइंस में बुलाते हैं एनवायरमेंट रिमेंबर दिस जब तक ये बात समझ नहीं आएगी आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि जावा क्यों बनाई गई तो गौर से सुनिएगा द वर्ड मशीन इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स

बिल्कुल सही है मशीन कोड का मतलब होता है द कोड ऑफ जीरो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है जो सी सी प्लस प्लस पढ़ते वक्त ना स्टूडेंट समझता है ना लोग बताते हैं क्योंकि वहां यह जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन यहां है आज पहले ही दिन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा क्या कि दुनिया में जब भी कोई कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है बाइनरी कोड जनरेट करता है वो मशीन कोड वो बाइनरी कोड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं होता है आई रिपीट दुनिया में जब भी कोई कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है बाइनरी कोड जेनरेट करता है वो मशीन कोड वो बाइनरी कोड दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स या एनवायरमेंट या ओएस और सीपीयू कॉम्बिनेशन के लिए नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म मतलब फटाफट -फड़ टाइप करिए जरा चैट विंडो में प्लेटफॉर्म मतलब प्लस अगर आपको लग रहा है सर ओ एस मतलब आपका क्या है तो ओ एस मतलब मेरा दुनिया के तीन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक विंडोज एक लिनक्स और एक मैक और अगर आपको लग रहा है सर CPU का मतलब क्या है तो मैं बता दूं सी भी दो आर्किटेक्चर में आते हैं अगर आपने कभी ध्यान दिया हो एक 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है और एक 64 बिट का आर्किटेक्चर होता है मैं इस बारे में भी आपसे आगे बात करूंगा ये भी सवाल बहुत परेशान करता है बिगनर्स को यह होता क्या है बत्तीस बिट और चौसठ बिट इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग पूरी प्रोग्रामिंग कैरियर में कभी इसका मतलब ही नहीं बता पाते हैं जबकि अच्छी खासी लैंग्वेजेस उन्होंने पढ़ी होती हैं तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए थर्टीक्चर क्या है सिक्सटी फोर बिट क्या है ये सब मैं आपको आगे क्लेरिफाई करूंगा अभी के लिए बस इतना सुन लीजिए जैसे दो तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन वेराइटीज हैं ऐसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की दो वेराइटीज हैं एक थर्टी बिट आर्किटेक्चर के सीपीज आते हैं और एक सिक्सटी बिट आर्किटेक्चर के सीपीओ आते हैं

उसका आर्किटेक्चर थर्टी बिट से ज्यादा एडवांस होगा आप मानते हैं उसकी स्पीड बिट से ज्यादा फास्ट होगी और इस कारण से उस सीपीयू में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू थर्टी बिट सीपीयू ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है और भी है डिफरेंस लेकिन सबसे पहला डिफरेंस जो है कि एक बार में सीपीयू कितनी बिट्स कंप्यूटर की मेमोरी से उठाकर प्रोसेस करता है ये हम बोलते हैं वो इतने बिट का है तो अगर कोई कंप्यूटर थर्टी बिट का सीपीयू यूज कर रहा है तो वो कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को रन करते वक्त एक बार में सिर्फ 32 बिट यानी चार बाइट प्रोसेस कर पाएगा और अगर वो 64 बिट है तो वो एक बार में प्रोसेस कर पाएगा बाइट और ऑपरेटिंग अलग हैं। ये तो आप आप जानते ही हैं। आप सबने यूज करा होगा देखा होगा विंडोज का जो यूआई होता है वो लिनक्स और मैक के यूआई से बिल्कुल डिफरेंट होता है विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक लिनक्स बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और अलग होने के कारण ध्यान देना इन सब का मशीन कोड का जो पैटर्न होता है मशीन कोड का जो तरीका होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है तो क्या विंडोज को जीरो वन समझ में आता है हाँ आता है क्या मैक को जीरो वन समझ में आता है उसे भी आता है क्या लिनक्स को जीरो वन समझ में आता है उसे भी आता है लेकिन जो मैक विंडोज और लिनक्स का जीरो और वन समझने का पैटर्न है वो पैटर्न अलग होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं सर ये पैटर्न का मतलब क्या है पैटर्न का मतलब है जिस ढंग से जीरो और वन जनरेट करे जाते हैं जैसे आप नोटिस करिए दुनिया के कितने सारी कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है बोली जाती है अमेरिका में भी इंग्लिश बोलते हैं लंडन में भी इंग्लिश बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में भी इंग्लिश बोलते हैं सब जगह इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज होती है बट आप मानते हैं इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है जैसे आप बोलते हैं एक्सेंट लहजा तरीका स्टाइल वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है एक अमेरिकन जब कोई वर्ड बोलेगा और एक ऑस्ट्रेलियन जब उसी वर्ड को प्रोनाउंस करेगा उन दोनों के एक्सेंट में डिफरेंस आएगा आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे इस तरीके की चीज को आप एक्सप्लोर करिए द एक्सेंट इन विच एन अमेरिकन स्पीक्स अ वर्ड इन इंग्लिश एंड द एक्सेंट इन विच एन ऑस्ट्रेलियन स्पीक्स द सेम वर्ड दे आर डिफरेंट मानते हैं तो क्या इंग्लिश बदल गई जल्दी बोलिए क्या इंग्लिश बदल गई नहीं इंग्लिश वहां भी सेम है बट बोलने का तरीका बदल गया सिर्फ बोलने का ही तरीका नहीं बदला आप थोड़ा सा अगर डीपली सोचें तो इंग्लिश में वर्ड की स्पेलिंग भी बदल जाती है ना इंग्लिश में वर्ड की स्पेलिंग भी बदल जाती है ना कलर की स्पेलिंग हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है सीओ एल ओ यू आर आपने मैंने हमारे स्कूल में पढ़ा है कलर माने सीओ एल ओ यू आर और आप कभी प्रोग्रामिंग में देखिए हर लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग सीओ एल ओ आर आपको मिलेगी हर लैंग्वेज की जगह जो कलर आएगा वो सीओ एलओ आर की तरफ से आपको मिलेगा तो दोनों ही स्पेलिंग्स अपने आप में वैलिड है बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर्स के साथ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ होता है जो विंडोज का जीरो और वन पढ़ने का एक्सेंट है यो मान लीजिए आप वो लेनिक्स और मैक्स से अलग होता है हालांकि हम इसे एक्सेंट नहीं बोलते हम इसे क्या बोलते हैं वो भी आप सुनिए हम इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट जो विंडोज का जीरो और वन का इंस्ट्रक्शन सेट है वो मैक के जीरो और वन इंस्ट्रक्शन सेट से अलग होगा और मैक का जीरो और वन लिनक्स के जीरो और वन इंस्ट्रक्शन सेट से अलग होगा ये बात समझ आई आया समझ में पॉइंट क्लियर हुआ राइट आप सुनिए ध्यान से आ जाइए वापस अपने डायग्राम यस ये सी चार बाइट लेने पर उसे दो बार मेमोरी साइकिल्स रिपीट करनी पड़ती हैं एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए अगर वो इंस्ट्रक्शन चार बाइट से ज्यादा का है जबकि जो 64 बिट का सीपीयू है वो एक ही बार में पूरे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर लेगा ठीक है ये एक बेसिक सा डिफरेंस है और भी टेक्निकल बातें जो अपन करेंगे आगे अब आ जाइए वापस आप अपने मेन डायग्राम पे अब इमेजिन करिए आपने जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टर्बो कंपाइलर पे कंपाइल करा सभी ने टर्बो का नाम सुना है जल्दी बोलिए सुना है दुनिया का एक बहुत पॉपुलर बहुत पुराना कंपाइलर बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं मैं भी अपने बैचेस में इनिशियली इस पे काम कराता हूं तो टर्बो कंपाइलर इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज अब जब टर्बो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का मशीन कोड जनरेट करता है सुनिएगा गौर से तो टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता है वो मशीन कोड ध्यान दीजिएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेटेड होता है कौन से US पे टारगेटेड होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेटेड होता है आपको लगेगा सर विंडोज पे टारगेटेड होता है का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि टर्बो कंपाइलर द्वारा कंपाइल करा गया मशीन कोड आप अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेकर जाएंगे लेट से आप इसको मैक पे लेकर जा रहे हैं तो टर्बो कंपाइलर का यह मशीन कोड मैक के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा या मैक छोड़िए मैक तो दूर की बात अपन ले लेते हैं सबसे पॉपुलर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स अगर आप टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इंस्टॉल करेंगे तो गौर करिए इंस्टॉल तक मशीन के ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरी रहती है सर मैं Linux पे अपना प्रोग्राम रन ही क्यों करूंगा मेरे पास तो विंडोज है तो मैं तो विंडोज पे प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप सोचिए आप अभी स्टूडेंट हैं आने वाले दिनों में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे

हर बंदे के पास उसके कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज डाला होगा कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी नहीं है अगर आपके कस्टमर्स यूएसए बेस्ड हैं अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां यूएसए के लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं या जिनकी क्लाइंट्स यूएसए की कंपनीज हैं तो आप शायद जानते होंगे जितना इंडिया में विंडोज पॉपुलर है उससे कहीं गुना ज्यादा स्टेट्स वगैरह में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर है तब आप नोटिस करिए जब आपने अपना प्रोग्राम टर्बो कंपाइलर पे कंपाइल करा तो क्या आपका ये मशीन कोड लिनक्स पे या आपका ये मशीन कोड मैक पे एग्जीक्यूट हो पाएगा आप क्या किसी बंदे को यह कोड दे पाएंगे ये कहते हुए कि लो ये मेरा सॉफ्टवेयर है तुम अपने कंप्यूटर पे इसको चला के देखो इम्पॉसिबल चलाना तो दूर की बात मैंने कहा लिनक्स और मैक इसे इंस्टॉल तक नहीं होने देंगे क्यों ये मशीन कोड नहीं है क्या जो टर्बो कंपाइलर ने जनरेट करा है लेकिन ये मशीन कोड लिनक्स के लिए हिंदी में जो कहावत है ना काला अक्षर भैंस बराबर वो लिनक्स के लिए है लेनेक्स को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि जो मशीन कर सकता है अब आप, आपके पास क्या आप सोल्यूशन है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है इस प्रोग्राम को आप दोबारा लिखें दूसरी बार राइट करें सेम सोर्स बाद फिर, फिर आप इसे उस कंपाइलर पे कंपाइल करें जो लेनेक्स प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया है एंड आई थिंक सी पढ़ी है तो सुना जरूर होगा आपने उस कंपाइलर का नाम है जीसीसी कंपाइलर जीसीसी कंपाइलर फिर आपको प्रोड्यूस करके देगा एक मशीन कोड ये मशीन कोड कहां रन होगा कहा सिर्फ और सिर्फ रन होगा लिनक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होगा फिर मैक वाले के लिए क्या करोगे आप मैक वाले के लिए फिर आप अपने प्रोग्राम को तीसरी बार डिजाइन करोगे फिर अपने प्रोग्राम का तीसरा वर्जन बनाओगे फिर उसे कंपाइल करोगे उस कंपाइलर से जो मैक के लिए लिखा गया है मैक के कंपाइलर का नाम होता है सीलैंग एल एलवीएम जो लोग मैक यूज करते हैं उनके एक्सकोड आईडी मैक के आई डी का नाम एक्सकोड होता है आईडी होता है बेटा वो एक्सकोड एक्सकोड ई का नाम है कंपाइलर का नाम नहीं है एक्सकोड मैक के आईडी का नाम है एक्सकोड और एक्सकोड के अंदर जो कंपाइलर है उसका नाम है सी लैंक या एल एल ये कंपाइलर मैक के लिए जनरेट करेगा मशीन कोड तब जाकर मैक के ऊपर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अब मुझे बताइए दुनिया में इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फटाफट पड़ बोलिए दुनिया में इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है है अगर आप जानते हो तो जिस कंपनी की लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं जावा जावा किसने बनाई थी अगर आपने सुना हो तो जावा ओरिजिनली बनी थी सन माइक्रो सिस्टम की तरफ से इन सन माइक्रो सिस्टम वालों का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप जानते हो या ना जानते हो तो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है सोलरिस तो अगर किसी के पास सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है तो आप सोचिए आपके तीनों ही कोड सोलर पे फेल हो जाएंगे वो नहीं रन हो पाएंगे Solaris पे क्योंकि सोलरिस में एक बहुत बहुत अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू विंडोज मैक एंड लिनक्स तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको कोई कस्टमर सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया तो आपको अपने सोर्स कोड को लिखना पड़ेगा चौथी बार बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बोलिए आया समझ में इसीलिए मैं जब आपको सी पढ़ाता था जब मैं सी आप में आपसे इंट्रैक्ट करता था मैं आपको बहुत बार एक बात बोलता था आज शायद आपको वो बात ढंग से समझ में आ रही होगी कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज ये बात हम लोगों ने कितनी ही बार क्लासरूम में एक दूसरे के साथ डिस्कस की है सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज एक बार फिर मुझे बताइए प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आया आपको प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू का कॉम्बिनेशन मीनिंग ऑफ दर्ड प्लेटफॉर्म और जब आप सी में कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका ये कोड दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी चल जाएगा। प्लेटफॉर्म आप तो ये भी सोचिए एक और मैं आपको सी में ड्रॉबैक दिखाता हूं देखिए क्या ड्रॉबैक है ये भी सोचिए ये जो कोड आपने लिखा है टर्बो कंपाइलर पे सेम टू सेम आप एज इट इस इज इसे जी सी सी पे ले जाके कंपाइल कर सकते है? नहीं कर सकते अगर आपने सी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा हेडर फाइल के नाम बदल जाएंगे आपने यहां यूज करी होगी कॉनियो डॉटेज जीसीसी में कॉनियो डॉटेज का सपोर्ट नहीं होता है अलग से एड करो वो अलग बात है लेकिन बाय डिफॉल्ट बाईल नहीं देता है इसी तरह से टर्बो में आपने सुना होगा इंटेजर दो बाइट की स्पेस लेते हैं जीसीसी में वो ही इंटेजर हो जाते हैं चार बाइट के बिहेवियर बदल जाता है डेटा टाइप्स का फंक्शंस के नाम बदल जाते हैं मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है मैं नहीं कह रहा हूं पूरा प्रोग्राम 360 डिग्री पे बदल जाएगा लेकिन 20 टू 30 परसेंट स्टेटमेंट कोड में आपको बदलने पड़ेंगे जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक कंपाइलर से सी में शिफ्ट करेंगे दूसरे कंपाइलर पे तो ऐसा भी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करा तो कोड आपका जीसीसी और मैक दोनों के लिए चल गया आपको उस कोड को एडिट करना पड़ेगा हेडर फाइल्स सुधारनी पड़ेंगी स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से बदलने पड़ेंगे क्योंकि हर वो लाइन सेम टू सेम जो टर्बो पे लिखी है वो GCC और C लैंग्वेज पे चले इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए अच्छे से आप सीख के जाइए क्यों कहते हैं दैट सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस ये बात समझ आई एवरी प्लीज रेस्पॉन्ड ये बात समझ आई ठीक अब आती है जावा ठीक है जावा कब बनी जावा के डेवलपमेंट की शुरुआत 1991 में हो गई थी 1991 से जावा बनना स्टार्ट हो गई थी राइट बनकर तैयार कब हुई तो सब मैं आपको अगले लेक्चर में में डिटेल दूंगा, अभी शॉर्ट सुन लीजिए। बनकर तैयार हुई 1996 में 1991 से पहले क्या था 1991 से पहले जावा बनाने वाली कंपनी भी सी प्लस प्लस में ही अपने सॉफ्टवेयर बनाती थी और वो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे कि उन्हें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता था उन्हें उसके मल्टीपल वर्जन लिखने पड़ते थे एक वर्जन लिखना पड़ता था विंडोज के लिए एक वर्जन लिखना पड़ता था लिनक्स के लिए एक वर्जन अपने खुद के ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के लिए लिखना पड़ता था था जिस का नाम उन्होंने रखा हुआ था, तो इस डेवलपमेंट टीम को ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि डेवलपर को प्रोग्राम लिखना पड़े एक बार लिसन केयरफुली डेवलपर को प्रोग्राम लिखना पड़े एक बार कंपाइल भी करना पड़े एक बार लेकिन उसका एक बार लिखा गया कोड एक बार कंपाइल करा गया कोड दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन हो जाए और इस कारण से आपने सुना होगा जावा इस एम से बनाई गई कि जावा सी सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल पे बेस्ड है जहां ये लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं वहां जावा क्या बन गई है जावा बन गई है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो सबसे पहले आप इस शब्द का मतलब समझिए बहुत से लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एज अ डेवलपर आपके पास अगर विंडोज है और आप जावा का प्रोग्राम विंडोज पे कंपाइल करते हैं तो वो जो कंपाइल्ड कोड आएगा वो कंपाइल्ड कोड आप दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक हो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर ये तो सी में भी हो रहा है नहीं हो रहा है C में, C में गौर ये है, ये फिर आपको आपके प्रोग्राम का मिल रहा है कंपाइल्ड कोड जो लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होगा बट एज कोड कितनी बार लिखेंगे जल्दी जल्दी बोलिए आप कोड कितनी बार लिखेंगे एक बार कितनी बार कंपाइल करेंगे एक बार लेकिन वो एक बार लिखा गया कोड दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होगा चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो कोई भी सीपी हो यानी जावा को किस बात का फर्क नहीं पड़ता जावा को जरा फर्क नहीं पड़ता आपका हार्डवेयर कैसा है जावा को जरा फर्क नहीं पड़ता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है अगर आपने जावा में कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है थ्रू आउट द वर्ल्ड आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा के उस प्रोग्राम को कर सकते हैं एग्जीक्यूट आर ये बात समझ समझ आया दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इन लैंग्वेज तो आप सोचिए जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामर की मेहनत बची कि नहीं बची प्रोग्रामर की मेहनत बची कि नहीं बची उसे अपने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना है दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा अब आप सोचिए पबजी जावा में क्यों बनाए समझ आया आपको पबजी को जावा में क्यों डिजाइन करा गया है गेम्स जावा में क्यों बनते हैं क्योंकि गेम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं तो गेम का डेवलपर नहीं चाहता है कि वो अपने गेम के दस वर्जन निकाले वो चाहेगा वर्जन ए को और वो एक वर्जन दस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए यही सेंट्रल आइडिया था जावा के बनने के पीछे अब क्योंकि आपको भी प्रोग्रामिंग पता है आप टेक्निकल वर्ड्स में सोचें तो आपके दिमाग में भी एक सवाल आएगा कि सर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो कैसे पाई जावा को प्रॉब्लम नहीं आई कि ऑपरिटिंग सिस्टम बदलेगा तो इंस्ट्रक्शन सेट बदल जाएगा तो जावा की टीम ने ऐसा क्या करा कि जावा के प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गए वो तो सी भी कर सकती थी बट सी को क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिली और जावा ने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर दी तो सुनिए जावा ने क्या मैजिक करा जावा ने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा और कैसे इस से जावा अपने आप को कर पाई प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट ध्यान दीजिएगा जावा की स्टोरी कुछ ऐसे चलती है आपने जावा में मान लीजिए सोर्स कोड डिजाइन करा एवरी वन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली राइट दो नंबर एड करने का आपने जावा में प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम का नाम आपने रखा एड डॉट जावा जावा में भी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अपने प्रोग्राम को करना पड़ेगा कंपाइल कौन कंपाइल करेगा आपके प्रोग्राम को आपके प्रोग्राम को जावा कंपाइलर कंपाइल करेगा तो पहली चीज तो आप नोटिस करिए टर्बो कंपाइलर जीसीसी कंपाइलर करके कंपाइलर के अलग अलग नाम नहीं है या एक ही कंपाइलर है और उसका नाम क्या है एवरी वन प्लीज रिस्पॉन्ड उसका एंड दैट कंपाइलर इज कॉल्ड जावा कंपाइलर ओके वॉट विल जावा कंपाइलर डू जावा कंपाइलर आपका सोर्स कोड उठाएगा और आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा लेकिन जावा का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है इनटू मशीन कोड जावा का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है इनटू मशीन कोड फिर सवाल आता है तो क्या जावा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ऐसे छोड़ देता है बिना कंपाइल करे? नहीं जावा का कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है लेकिन मशीन कोड जेनरेट नहीं करता देन द क्वेश्चन फिर क्या जनरेट करता है जावा का कंपाइलर जो जनरेट करता है उसे मशीन कोड ना बुलाकर बहुत स्पेशल नाम मिला है इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड और उसका नाम होता है बी वाई टी ई बाइट कोड अब आएगा दिमाग में आपके डाउट अगर आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं सर ये बाइट कोड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं ये जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट कोड होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब मतलब ये ऑपरिटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता ना ये ऑपरिंग सिस्टम के समझ में आता है ना ये हम इंसानों के समझ में आता है इसका मतलब आज से हम ये बोलना स्टार्ट कर दें दुनिया में कितनी तरह के कोड तो दुनिया में तीन तरह के कोड एक कहलाते हैं सोर्स कोड किसको समझ में आता है सोर्स कोड ह्यूम को समझ में आता है इंसानों को समझ में आता है तो जो आप कोड लिखते हैं दे आर सोर्स कोड एक कहलाता है मशीन कोड मशीन कोड किसको समझ में आता है मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है प्लेटफॉर्म को समझ में आता है और इनके बीच का एक और कोड होता है जो इंटरमीडिएट कोड होता है इस इंटरमीडिएट कोड को क्या बोलते हैं इस इंटरमीडिएट कोड को बोलते हैं बाइट कोड इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं इसको इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं और ना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। फिर दिमाग में आपके डाउट आएगा कि सर अगर यह ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे चलाएगा कैसे जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है बाइट कोड में क्या लिखा है तो से रन कैसे करेगा विंडोज़ से चलाएगी कैसे तो यहां एंट्री होती है जावा के एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की जिस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम जावा की जावाबले में रखा गया है के पे, JVM. जिस का नाम जावा में के पे रखा गया है जेवीएम जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है जेवीएम का फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन क्या मतलब होता है इसका वो मैं आपको दस मिनट बाद बताऊंगा वो मैं आपको दस मिनट बाद बताऊंगा इस पूरी वोकैबुलरी का मतलब अभी सुन लीजिए आप जेवीएम करता क्या है सबसे पहले जेवीएम क्या है जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है इसका मतलब जब हम अपने कंप्यूटर में जावा डालते हैं तो हमें कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर मिलते हैं डालने को यस जब आप आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करते हैं तो आपको दो सॉफ्टवेयर मिलते हैं दोनों अलग अलग डालने पड़ते हैं नहीं आप डालते एक ही सॉफ्टवेयर है साथ में उसके दूसरा सॉफ्टवेयर भी आता है वो जो एक सॉफ्टवेयर है मेन वो है आपका कंपाइलर और वो अपने साथ किसे लेकर आता है वो अपने साथ लेकर आता है जेवीएम नाम के एक सॉफ्टवेयर को अच्छा फिर जेवीएम क्या करता है जेवीएम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर बनकर बैठ जाता है क्या बनकर बैठ जाता है एक लेयर बनकर बैठ जाता है बिल्कुल वैसे जैसे आप गाड़ी चलाते वक्त अपने सर पे हेलमेट लगा लेते हैं तो जैसे आपके हेड के ऊपर हेलमेट आ जाता है ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिस लेयर का नाम होता है जेवीएम ठीक है फिर जेवीएम क्या करता है जेवीएम जावा कंपाइलर के इस बाइट कोड को पढ़ता है इस बाइट कोड के अंदर लिखे गए इंस्ट्रक्शन को गौर करिएगा बाइट कोड भी अपने आप में एक लैंग्वेज है लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों या ऑपरिंग सिस्टम्स के लिए नहीं है पर उस लैंग्वेज को जेवीएम समझता है तो JVM बाइट कोड का एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता है वन बाय वन ध्यान दीजिएगा और अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस इंस्ट्रक्शन को कर देता है कन्वर्ट एक बार जरा फिर से बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में क्या आता है अब भी मैंने एक और वर्ड बोला था मशीन कोड के अलावा इंस्ट्रक्शन सेट ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है इंस्ट्रक्शन सेट तो JVM क्या करता है JVM बाइट कोड को उठाता है बाइट कोड के हर इंस्ट्रक्शन को विंडोज के इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है अगर मैं मान लू कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है ठीक है तो एक बार फिर सुनिए जावा में आपने अपना प्रोग्राम लिखा जावा में आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा कंपाइल करा तो क्या बना मशीन कोड जल्दी जल्दी बोलिए यस और नो नहीं जावा कभी मशीन कोड नहीं बनाती जावा का छत्तीस का आंकड़ा है मशीन कोड से याद रखिएगा जावा की दुनिया में मशीन कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर जावा क्या बनाती है जावा बनाती है बाइट कोड फाइन फिर क्या होता है यह बाइट कोड एग्जैक्टली होता है मिक्सचर मतलब इस बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को लेता है और यह देखते हुए कि अंडरलाइन ऑपरिंग सिस्टम कौन सा है उसके हिसाब से इसको कर देता है कन्वर्ट आपको लगेगा तो सर इससे हमारा प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कैसे होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो गया बिल्कुल होगा ध्यान से सोचिए कैसे होगा अब इमेजिन करिए आपके कस्टमर के पास है। आपका कर रहा है। आपको अपने कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जेवीएम क्या इस जेवीएम के चार्जेस लगते हैं इस जेवीएम का कोई चार्ज नहीं लगता यह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फिर क्या होगा फिर आपका विंडोज के कंपाइलर के थ्रू जनरेट करा गया बाइट कोड जब जाएगा लेनिक्स पे तो लेनिक्स का जो जेवीएम है वो इस बाइट कोड को पड़ेगा और बताइए किसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा जल्दी बोलिए फटाफट पड़ बोलिए किसके हिसाब से वेरी गुड वो इसे कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू लेनिक्स और सोचिए अगर कोई तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मैक यही बाइट कोड अगर मैक पे जाता है बस वहां पर अवेलेबल कौन होना चाहिए वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जेवीएम वहां का जेवीएम क्या करेगा वहां का जेवीएम इस बाइट कोड को उठाएगा और किसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू मैक तो आप बताइए आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा फटाफट फड़ बोलिए आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम एक बार लिखना पड़ा आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम कितनी बार कंपाइल करना पड़ा सिर्फ एक बार कंपाइल करना पड़ा बाकी काम जेवीएम ने ले लिया आपके कंबाइड कोड को अकॉर्डिंग टू ऑपरिंग सिस्टम जेवीएम करता है कन्वर्ट इसलिए अपन मानते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इन लैंग्वेज आ रहा हूं मैं बिल्कुल आ रहा हूं इसी बात पे निलेश ठीक है आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गौर करिए मैंने कहा जावा का जो कंपाइलर है वो बनाता है बाइट कोड क्या बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बनता होगा कि सेम बनता होगा ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन एवरी जावा का कंपाइलर जो बाइट कोड बनाएगा वो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम होगा क्या अलग होगा परफेक्ट आंसर सेम होगा सेम होगा लेकिन उस बाइट कोड को जब जेवीएम कन्वर्ट करेगा तो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग करेगा जल्दी बोलिए करेगा इसलिए जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग लिखा गया है देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर विंडोज देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर लिनिक्स देर इज अ डिफरेंट फॉर मैक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग लिखा गया है राइट right? विंडोज का जेवीएम डिफरेंट है लिनक्स का जेवीएम डिफरेंट है मैक का जेवीएम डिफरेंट है बट वॉट अबाउट जावा कंपाइलर जावा कंपाइलर सबके लिए अलग नहीं है देर इज ओनली वन जावा कंपाइलर क्योंकि जावा कंपाइलर जनरेट जो करता है वो प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट कोड होता है और क्या कहलाता है एवरी वन प्लीज रिस्पॉन्ड वो कोड अपने आप में कहलाता है बाइट आई बात समझ में आप समझ पाए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुई समझे आप राइट right. और इसीलिए जावा की मैं आपको पंच लाइन बताता हूं अगर कोई बोलेगा ना जावा की पंच लाइन क्या है तो जावा की पंच लाइन है वोरा वोरा का फुल फॉर्म क्या होता है वोरा का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रन एनी वेयर दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ दॉनिम वोरा राइट वंस रन एनी वेयर ठीक है राइट वंस का मतलब क्या है आप एज अ डेवलपर प्रोग्राम बनाएंगे एक बार कंपाइल करेंगे एक बार लेकिन आप उसे रन अनगिनत बार करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे करिए बस एक शर्त है बताइए क्या उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन तो आप कह सकते हैं सर ये तो जावा का ड्रॉबैक हुआ यस yes, ये जावा का ड्रॉबैक हुआ ये जावा का ड्रॉबैक कह सकते हैं आप कि जावा को किसी भी कंप्यूटर पे अगर चलाना है तो एक सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है जेबीएम हालांकि मैं फिर कह रहा हूं यह सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर के कंप्यूटर पे डाउनलोड करवा सकते हैं उसका ऐसे कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है समझ आया हुआ क्लियर दैट इज वाई वी से जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज अब मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे क्या कहा था आपने अगर गौर से सुनाओ कि जावा को सिर्फ एक लैंग्वेज कहना जावा के पोटेंशियल को बहुत कम करने के बराबर है अपन जावा की इंसल्ट कर रहे हैं अगर अपन कह रहे हैं कि जावा इज अ लैंग्वेज जावा लैंग्वेज से कहीं आगे है आप देखिए कैसे कह रहा हूं मैं इसको समझने के लिए आप JVM के फुल फॉर्म को समझिए सबसे पहले वर्ड आ रहा है जावा आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है सॉफ्टवेयर जावा के लिए लिखा गया है इसलिए इसमें वर्ड आ रहा है जावा आप तो मुझे इन दो वर्ड्स का मतलब बताइए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्चुअल जल्दी बोलिए इंग्लिश में वर्चुअल शब्द का क्या मतलब होता है वेरी गुड वर्चुअल शब्द का मतलब होता है नॉट रियल कह सकता हूं ना मैं इमेजिनरी राइट right. और मशीन का मतलब आपने आज ही समझा क्या समझा आपने आपने आज ही समझा इसका मतलब होता है platform. इसका मतलब आप नोटिस करिए जेवीएम अपने आप में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मतलब मतलब जेवीएम ऑपरिटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन जेवीएम काम ऐसे करता है जैसे वो अपने आप में पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कहने का मेरा मतलब जो सर्विसेज सी के प्रोग्राम को ओएस देता है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना जो सर्विसेज सी के प्रोग्राम को ओएस प्रोवाइड करता है एग्जैक्टली exactly वही सर्विसेज जावा के प्रोग्राम को कौन प्रोवाइड करता है वही सर्विसेज जावा के प्रोग्राम को जेवीएम प्रोवाइड करता है अगर आपको लग रहा है सर सर्विसेज मतलब क्या है मैं बताता हूं सर्विसेज मतलब क्या है सी में याद करिए आपके प्रोग्राम में मेन होता है होता है ना मेन आपका प्रोग्राम मेन से आप लिखते हो ना मेन से शुरू होता है रन होना आपने कई बार सी में कहा होगा कि जब तो हम प्रोग्राम रन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है बोलिए कहा है आपने जब तो हम प्रोग्राम रन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है ये सर्विस की बात मैं कर रहा हूं यानी आपके प्रोग्राम को रन करने का जो पहला कॉल है वो सी में आपको मिलता है फ्रॉम ओएस और ओएस कॉल करता है आपके मेन फंक्शन को ऐसे ही मुझे बताइए आप सी में वेरियबल्स बनाते हैं जल्दी बोलिए आप सी में वेरिएबल बनाते हैं बनाते हैं उन्हें मेमोरी में जगह कौन देता है उन्हें मेमोरी में जगह ओएस देता है ये मत बोलिएगा कंपाइलर देता है कंपाइलर डिसाइड करता है कितनी जगह मिलेगी लेकिन रैम कंपाइलर के अंडर में नहीं है रैम किसके में रैम ओएस के अंडर में तो ओएस डिसाइड करता है वेरिएबल मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाकर लोकेट होगा कौन से एड्रेस पे जाकर क्रिएट होगा तो वेरिएबल को जगह देना मेन को कॉल करना प्रोग्राम को लोड करना मेमोरी को क्लीन अप करना डिस्ट्रॉय करना ये सब कौन करता है ये सब ओएस करता है सी के लिए और बताइए जरा जावा में इन सब को करने का जिम्मेदार कौन है जावा में इन सब को करने का जिम्मेदार जेवीएम है आप सोचिए सोचिए ध्यान से इसका मतलब जावा का प्रोग्राम विदाउट जेवीएम रन होगा कि नहीं होगा जल्दी बोले जावा का प्रोग्राम विदाउट जेवीएम रन होगा कि नहीं होगा किसी हालत में नहीं होगा इसका मतलब जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है ना जावा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है उस का नाम जिस के आपका जबकि आप सी के बेसिक्स याद कीजिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि सी आपके प्रोग्राम को रन करे सी का कंपाइलर सिर्फ आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके छोड़ देता है रन कौन करता है रन करने की इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर होती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन जावा बहुत दूर तक आपका साथ देती है जावा सिर्फ आपका साथ कंपाइलर के लिए नहीं जावा आपका साथ रनिंग के दौरान भी देती है और रन करता कौन है रन करता है जेवीएम एग्जैक्टली exactly बोलू तो जेवीएम का एक पार्ट सुनिएगा वो कौन है जेवीएम के उस पार्ट का नाम क्या है जेवीएम के उस पार्ट का नाम है इंटरप्रिटर क्योंकि आपने ध्यान से मेरे वर्ड सुने हो तो मैंने क्या कहा था जेवीएम बाइट कोड की एक एक लाइन को उठाता है और उसे अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करता है एक-एक लाइन उठाकर कन्वर्ट करना दो ट्रांसलेटर्स हुए राइट yes, right? पहला ट्रांसलेटर कंपाइलर हुआ compiler के अंदर है के के बाहर है कंपाइलर जेवीएम के बाहर है वो जेवीएम के अंदर नहीं है वो बाहर बैठा है और आपके सोर्स कोड को करता है कंपाइल और किस में कन्वर्ट करता है बाइट कोड में इंटरप्रेटर कहां बैठा है इंटरप्रेटर बैठा है JVM के अंदर क्या करता करता है है का इंटरप्रेटर आपके द्वारा कंपाइल्ड बाइट कोड की एक एक लाइन को पिक कन्वर्ट करता है ऑपरिंग सिस्टम के हिसाब से और ऑपरिंग सिस्टम को रन करने के लिए भेज देता है दैट इज द रोल ऑफ जावा वर्चुअल मशीन सो विदाउट जीवीएम आप अपने कोड को कभी भी नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूट आई पूरी स्टोरी समझ में पूरी कहानी क्लियर हुई राइट right? तो अब मुझे बताइए जावा के दो ड्रॉबैक्स क्या हैं फटाफट पड़ बताइए जावा के दो ड्रॉबैक्स क्या हैं नंबर वन जावा जेवीएम डिपेंडेंट है हाँ या ना जावा जेवीएम डिपेंडेंट है ये एक ड्रॉबैक दूसरा ड्रॉबैक जावा की स्पीड सी से कम होगी जल्दी बोलिए जावा के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड सी से कम होगी हंड्रेड होगी क्योंकि सी में प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट हो जाता है जावा का प्रोग्राम कन्वर्ट होने में दो कन्वर्जन प्रोसेस लेता है पहले सोर्स कोड से बाइट कोड को जावा जेवीएम डिपेंडेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट है याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा डिपेंड नहीं करती जावा डिपेंड करती है सिर्फ जेवीएम की प्रेजेंस पे अरे संयम सिक्योरिटी में तो जावा नंबर वन है मैं नहीं कह रहा हूं हंड्रेड परसेंट सिक्योर है लेकिन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सिक्योर कौन बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सिक्योर कौन यूनिक्स या लिनक्स इन्हीं का नाम लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज है वो सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज है अपने आप में जावा ठीक है अच्छी खासी और आप पढ़ोगे आगे जावा सिक्योर्ड कैसे क्या करती है जावा कि हम कहते हैं कि जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है वो आपको सामने आएगा आगे थ्योरी में पूरा अभी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे आपको ये समझ के जाना है ये समझ में आया नहीं निलेश जावा 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है 1% परसेंट इम्प्योर है बट वो 1% परसेंट इम्प्योरिटी हम इग्नोर कर सकते हैं कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको ठीक जावा में एड्रेस नहीं प्रिंट कर सकते नहीं कर सकते जावा में एड्रेस आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अगर आपने सी पढ़ी है तो आपने सी में ये ऑपरेटर पढ़ा है एड्रेस ऑफ पढ़ा है जावा में यह होता ही नहीं है जावा में ऑपरेटर ही नहीं होता है सिक्योरिटी का पहला प्रूफ तो यही है कि जावा ने प्रोग्रामर को रोक दिया है कि प्रोग्रामर डायरेक्टली एड्रेस इंट्रैक्ट करे नहीं कर सकता नहीं एंड्रॉइड में जेवीएम नहीं होता है विकास एंड्रॉइड में डीवीएम होता है एंड्रॉइड के अंदर डीवीएम अवेलेबल होता है डीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है डीवीएम का फुल फॉर्म होता है डालविक वर्चुअल मशीन यह भी बिल्कुल जेवीएम जैसा ही सॉफ्टवेयर होता है लेकिन यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया है सो वी डोंट अ जेवीएम फॉर एंड्रॉइड बट वी डू हैव अ डीवीएम फॉर एंड्रॉइड समझ आया बात क्लियर हुई यस इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में ओके okay, मुनीब इंटरप्रेटर बाइट कोड लेता है और उसे मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करता है ठीक है अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको आपको एक बेटर डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हाँ बिल्कुल पाइथन जैसी ही है पाइथन आपने पढ़ी होगी तो आपने सारी बातें वहां पर सुनी होगी आप मुझे बताइए आपको ये पहली लाइन का मतलब समझ आया कि नहीं आया फटाफट -पड़ जवाब दीजिएगा ये।, ये ये क्लियर हुआ कैन आई से जावा इज अ टेक्नोलॉजी इट्स नॉट जावा सिर्फ लैंग्वेज होती तो रन करने में जावा का कोई रोल नहीं होता लेकिन जावा का अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में भी है और वो कॉन्ट्रीब्यूशन देता है जावा वर्चुअल मशीन इसलिए जावा को सिर्फ लैंग्वेज कहना गलत होगा आया समझ कम से कम इंटरव्यू में तो ये मत बोलिएगा कि जावा इज अ लैंग्वेज ट्राई सेइंग जावा इज अ टेक्नोलॉजी और जावा इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस

विंडोज लिनक्स ये सब अपने आप में प्लेटफॉर्म है विंडोज प्लस इंटेल या प्लस दे ऑल आर इन आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें इस समय आपके कंप्यूटर पे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ लैपटॉप्स हैं ये मान लीजिए जितने भी आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ये सब लैपटॉप्स हैं क्या आप बता सकते हैं इस समय कितनी फिजिकल कंप्यूटर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं जल्दी बोलिए इस समय आपके स्क्रीन पे कितने फिजिकल कंप्यूटर्स आ रहे हैं जल्दी बोलो बिल्कुल सही बिल्कुल सही अगर आप फिजिकल कंप्यूटर्स की बात करें फिजिकल कंप्यूटर बेटा फिजिकल कंप्यूटर मतलब हर मशीन को आप एक कंप्यूटर मानिए हर मशीन को एक कंप्यूटर मानिए तो आपके स्क्रीन पे समय बारह फिजिकल मशीन आ रही है ओके अब बताइए आपके स्क्रीन पे कितने प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जल्दी बताइए आपके स्क्रीन पे कितने प्लेटफॉर्म आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे चार प्लेटफॉर्म आ रहे हैं चार कैसे आ रहे हैं

आई बात समझ क्लियर हुआ ठीक है अब ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब आप सी में सोर्स कोड लिखते हैं आपका सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है कंपाइलर बनाता है मशीन कोड मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड होता है अगर ये कंपाइलर हम मान ले टर्बो कंपाइलर है तो इसका मशीन कोड विंडोज पे चलेगा लेकिन इसका मशीन कोड किसी हालत में लिनक्स या मैक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं चलेगा ये बात भी समझ आई सबको एवरीवन इज क्लियर विद दिस वेरी गुड जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ध्यान से देखिए जावा ने क्या कहानी अप्लाई करी हुई है जावा में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड को जावा का कंपाइलर करता है कंपाइल कन्वर्ट करता है कन्वर्ट करता है इंटू सम बाइट कोड दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है बस बताइए वहां चाहिए क्या जल्दी जल्दी बोलिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए वॉट इज दट सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज डेवलपर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है सिर्फ एक बार आपको कंपाइल करना पड़ता है सिर्फ एक बार अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज जब आप दीजिए फटाफट पढ़, इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वॉट डज जेवीएम डू ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट वेरी गुड करेक्ट इज थर्ड कन्वर्ट बाइट कोड अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग मशीन इंस्ट्रक्शन सेट ओके सेकेंड जावा कंपाइलर फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए एक डिफरेंट जावा कंपाइलर लिखा गया है एप्सल्यूटली फॉल्स जावा कंपाइलर फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज सेम ओनली जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट समझ आया ये था जावा की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का आपके साथ डिस्कशन आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा समझ आया राइट right? अगले लेक्चर में फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जावा कहां अच्छा चलिए एक क्विज और इसको सॉल्व करिए जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट और नॉट यस देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर विंडोज देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर लिनिक्स देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर मैक राइट जबकि जावा का कंपाइलर सारे प्लेटफॉर्म के लिए आपको बिल्कुल सेम मिलेगा ठीक है अब जावा कहां स्टैंड करती है मार्केट में पाइथन के साथ इसका कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में राइट right? स्लाइड में आपसे शेयर कर दूंगा